चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ की। तो जावास्क्रिप्ट में जो नंबर टाइप है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ दिख रही है, एप्साइलन, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, मैक्स सेफ इंटीजर, मैक्स सेफ मिन सेफ इंटीजर। तो इस तरीके की ये जो आपको दिख रही है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर की। और इनका क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे एप्साइलन है प्रॉपर्टी तो इसका क्या मतलब है। तो ये डिफरेंस बताता है वन और ज़ीरो के बीच में। तो जीरो तो कोई चीज़ होती नहीं, जीरो नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जीरो से जस्ट पहले यानी कि काफ़ी क्लोज टेंस टू जीरो जो होता है वहाँ तक कोई वैल्यू होगी, उसके और वन के बीच में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसी की ये बात करता है। तो ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जैसे कि आपको दो चीज़ों में कंपेयर करना है जिनका जो डिफरेंस हो काफ़ी छोटा हो, तो वहाँ पर आप एप्साइलन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से कहीं पर आपको मैक्स वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो वहाँ पर आप मैक्स वैल्यू प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से बाकी ये सब भी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो पहला देखते हैं नंबर डॉट एप्साइलन। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ग्रेटर देन वन एंड वन। तो इसको इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये आपका HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको दिख रहा होगा जावास्क्रिप्ट ऐड की गई है इस स्क्रिप्ट से इस स्क्रिप्ट के बीच में इसी HTML डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल बनाया गया है जिसमें इससे आने वाला जो नंबर है वो स्टोर होगा, जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के इस मेथड से प्लेस करते हैं। जो डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसके इनर HTML यानी इस जगह पर ये रखने की बात कर रहा है। तो इस पैराग्राफ का जो डेमो आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है यानी ये वाला एलिमेंट, इसके इनर HTML इस जगह पर एक्स की वैल्यू रखी जाएगी इस मेथड के जरिए। तो ये एक्स की वैल्यू क्या है, नंबर डॉट एप्साइलन। तो ये देखिए कितनी आ रही है। तो ये है 2.2220 ऐसे करके मल्टीप्लाइड बाय 10^-16। तो ई माइनस 16 का मतलब यही होता है 10^-16। ठीक, तो इतना छोटा नंबर है। अगर इस टाइप के आपको नंबर चाहिए तो आपको नंबर डॉट एप्साइलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके बाद है जावास्क्रिप्ट मैक्स वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट में जो मैक्स वैल्यू है ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इट्स ए कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आप इससे पता कर सकते हैं। तो ये है नंबर डॉट मैक्स वैल्यू। तो नंबर डॉट मैक्स वैल्यू से आपका आता है 1.7967976 ऐसे करके ही ये मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर 308। तो ये आपका है ई प्लस 308, इसका मतलब है 10^308। तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जावास्क्रिप्ट में जो आपको इससे मिलता है, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू। उसी तरीके से ये यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये जो है प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ये जो नंबर है ना यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तभी ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की मेथड की बात कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो नंबर जो यहाँ पर है ये आपको क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैक्स वैल्यू हुआ, एप्साइलन हुआ, मिन वैल्यू हुआ, इनको निकाल पा रहे हैं। वही तो यहाँ पर दिया हुआ नंबर प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी यूज्ड ऑन वेरिएबल्स। यहाँ पर जो नंबर है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, क्योंकि नंबर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑब्जेक्ट से, नंबर ऑब्जेक्ट से संबंधित होती हैं, ना कि किसी वेरिएबल से, यानी कि ना कि किसी वेरिएबल यानी कि उसमें कोई प्रिमिटिव वैल्यू पड़ा हुआ है उससे, ठीक, उससे संबंधित नहीं होता ये। अगर आपने एक्स डॉट मैक्स वैल्यू ये लिखा तो इससे आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई वेरिएबल की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो ऑब्जेक्ट की ही वैल्यू निकल सकती है यहाँ पर यानी नंबर की। उसके बाद है मिन वैल्यू। जैसे मैक्स वैल्यू निकाला था वैसे ही लार्जेस्ट पॉसिबल जो लोवेस्ट पॉसिबल जो नंबर है जावास्क्रिप्ट में उसको भी हम मिन वैल्यू से, नंबर डॉट मिन वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम सेफ इंटीजर। तो मैक्स सेफ इंटीजर क्या काम करता है, बताता है कि जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम सेफ इंटीजर क्या है। तो आपको याद होगा 2^53 +1 और -1, ये आपकी मैक्स सेफ इंटीजर थी। 2^53 -1 ये मैक्स सेफ इंटीजर हैं। और 9 point something इसमें आया था, तो आपको दिख रहा होगा ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर हैं।
ठीक है, जब आप 2 की पावर 53 माइनस 1 को डिकोड हल करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। तो ये मैक्सिमम सेफ इंटीजर है जो कि आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी से, नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर से। तो उसके बाद है मेन सेफ इंटीजर से भी आपको इसी टाइप में नेगेटिव लगता हुआ मिलेगा, शुरू में नेगेटिव लग गया, सेम नंबर है बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये है। ठीक, उसके बाद है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट रिटर्न एन ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो रिटर्न करता है, यानी कि ये भी इन्फिनिटी ही आता है, आपको पता है 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी रिटर्न करेगा, यानी कि आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से 1 बाय किसी भी नंबर को, ये नंबर है उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पर आप नंबर को नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से तो यहाँ पर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो इस तरीके से है, डिफाइंड नहीं है इसलिए आपका इन्फिनिटी आ रहा है। जावास्क्रिप्ट 9, तो नैन का मतलब क्या होता है, नॉट ए नंबर होता है। तो 9 इज ए जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड फॉर नंबर दैट इज़ नॉट ए लीगल नंबर। जो भी नंबर लीगल नहीं होता उसके लिए 9 का इस्तेमाल किया जाता है, ये रिजर्व वर्ड होता है नंबर जावास्क्रिप्ट में। तो नंबर डॉट 9, इससे आपको क्या मिलेगा, एन ए एन ही मिलेगा। ठीक, और इसमें भी आपको 9 ही मिलेगा क्योंकि ये जो होता है इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो इससे भी आपको एन ए एन ही मिलेगा, नॉट ए नंबर, यानी कि ये लीगल ऑपरेशन नहीं है। और यहाँ से आप कंप्लीट रेफरेंस देख सकते हैं नंबर से संबंधित, तो इसमें कुछ नहीं था, बस जो बनी बनाई चीज़ें हैं उसी का आपको यूज़ करना है इसमें।